पार्वती जी सरोवर के किनारे बैठी भगवान के ध्यान में लीन थी। अचानक उन्हें किसी बालक की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत उठी तथा सरोवर के बिल्कुल पास पहुंच गई। उन्होंने देखा कि एक बालक को सरोवर में खड़े एक कराह ने जबड़े में पकड़ रखा है। बालक पार्वती जी को देखते ही बोला, मैं अपने गरीब माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, मुझे इसके चंगुल से बचाओ। बालक की जान संकट में देखकर पार्वती जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने ग्राह से बालक को छोड़ देने को कहा। ग्राह ने उत्तर दिया, दिन के छठे भाग में जो मेरे सामने आता है वह मेरा आहार बनता है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। तब पार्वती जी ने ज़्यादा आग्रह किया तो वह ग्राह बोला, आपने हिमालय में घोर तपस्या किया है यह मैं जानता हूँ, आप उस तप को मुझे अर्पित कर दो तो मैं बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती बोली, ग्राहराज, मैं इस अबोध बालक के प्राणों के बदले तप ही नहीं जीवन भर के अपने संचित पुण्य कर्म अर्पित करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। ग्राह ने बालक को छोड़ दिया। तभी अचानक भगवान शंकर सामने आए और बोले, पार्वती, एक बालक के प्राण बचाने के लिए तुमने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, अब तुम पूर्ण रूपेण पुण्यमयी बन गई हो। ग्राह बनकर मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम्हारे हृदय में करुणा भावना है या नहीं।